इसके बाद मैं पंजाब से आए हुए हमारे साथी जस्सल साहब, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जय भीम जय बाप। आज हम इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के माध्यम से हम जहां एकत्र हुए हैं, यह कहने के लिए कि हमें प्रमोशन में रिजर्वेशन चाहिए। बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि हम आज इतने ऑफिसर इंजीनियर डॉक्टर वकील, कौन सा हमारे पास एजुकेशन नहीं है, लेकिन हमें हमारा हक मिल नहीं रहा। बाबा साहब ने क्या था कि उन्होंने अकेले इतनी बड़ी लड़ाई हमारे लोगों के लिए लड़ी, और आज हम जो इन कुर्सियों पे बैठे हैं, नहीं तो कहां बैठे होते। आज भी हम रिजर्वेशन मांग रहे हैं। मैं तो यहां इस स्टेज से कहना चाहता हूं कि आज हमें यह सोचना पड़ेगा कि रिजर्वेशन लेनी है या देनी है। हम लोगों ने अभी तक हमारा जो स्वाभिमान है, उसके लिए हम आगे नहीं बढ़ रहे। हम लोग गुलामी की तरफ आगे बढ़े हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा? हम लोगों को जो इस भारत में हमारा राइट बनता है कि जो इस कंपनी का सभी सोर्स है, उस पर हमारा अधिकार होना चाहिए। हमारे पास अधिकार एक लेकर दिया था एजुकेशन का, जिसकी वजह से हम लोग आज डॉक्टर इंजीनियर लायर बहुत कुछ बन गए, लेकिन वो एजुकेशन आज आपके हाथ में नहीं है। एजुकेशन जो प्राइवेट हो रही है, ये बहुत ज्यादा समय में लगेगा कि हम लोग एजुकेशन ले नहीं पाएंगे। सो हमें आज ही
हमारा पैसा से अडानी अंबानी टाटा बंगला अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं। अगर उनको जितना उनका शेयर है उतनी ही उनके पास एम्प्लॉयमेंट की पावर चाहिए। जो शेष है जितना हमने फिनांस गवर्नमेंट ने किया है उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है गवर्नमेंट के हाथ में चाहिए। आज क्या हो रहा है प्राइवेट में हम रिजर्वेशन मांग रहे हैं, प्राइवेट में पे नहीं मिलती। जहां हमने एंटर करना है आपका कोई फीस नहीं रह गया लेगा रुपा। हम लोगों को आज से ही पाटिल साहब हमें मेरी रिक्वेस्ट है हम लोग अपने ग्रास रूट से आज से जाकर ये उन लोगों के साथ मिलकर बैठे उन लोगों को जो वोट का हकदार है उनको ये शिक्षा दें कि आपकी वोट से गवर्नमेंट बनती है। अगर आप वोट उस जगह डालेंगे जहां आपकी वोट से जो भी बनता है आप उनका राइट लेना चाहते हैं तो आज सब्सिडी लेने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि पाटिल साहब आपने जो जो ट्रेड यूनियन है इनको एक फ्रंट पे लाने का जो जत्न किया है आपने प्रयास किया है हम इसकी तारीफ करते हैं, इसकी प्रशंसा करते हैं। पर साथ साथ ये भी कहते हैं कि ये जो ट्रेड यूनियन है ये जो एम्प्लॉय लोग हैं इन लोगों का भी एक कर्तव्य है कि वे ये लोग अपने अपने गांव में जाकर मोहल्लों में जाकर अपने जो भाई बहन हैं जिनके वोट से गवर्नमेंट बनती है उनमें जाकर बैठे और हम लोग जैसे लोगों की एक आवाज है हम भी एक आवाज बनाए तभी जाकर हम लोग कुछ ना कुछ लेकर ले सके। नहीं तो यही है कि हम मांगते रहेंगे वो दे नहीं रहे और हम क्या करेंगे। ये जो पंडाल है ये जो जहां बैठे हम लोग ये चेयर जो है कोई भी खाली नहीं रहनी चाहिए लेकिन हमारे एम्प्लॉय आज भी ये नहीं सोचते हैं कि हमारा जो कर्तव्य है उनका हमने पालन करना है। वो सोच रहे हैं हम तो बहुत अच्छे थे हम तो बहुत इंटेलिजेंट थे हम तो हमें नौकरी मिल गई लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि जो नौकरी लेने के समय सर्टिफिकेट डॉक्टर साहब ने बनाया था वो सर्टिफिकेट के जरिए से आपको नौकरी मिली है ना आपके बाप की कुर्बानी से मिली है ना किसी और की कुर्बानी से मिली है। हम लोग जैसे पॉलिटिकल लीडर को कह रहे हैं मैं तो अपने जो आईएएस जो भी हमारे आगे की जमात है उनको कहना चाहता हूं कि आप लोग भी रिटायर होकर जब आते हैं तो आपको कोई भी सम्मान नहीं मिलता। सम्मान आपको किसने देना है उन लोगों ने देना है जहां से आपने एजुकेशन ली थी। लेकिन हम लोग भीख भीख मांगते रहते हैं उनमें अपना सिर झुकाकर जीना चाहते हैं। जितनी देर हमारे पास स्वयं मान नहीं आता हमारे पास अपने गैप नहीं आती उतनी देर हम चेंज नहीं ला सकते। चेंज लानी है तो हमें जो सोचना पड़ेगा हमें जो देखना पड़ेगा कि हम लोगों ने 70 साल में क्या गलती की है। ये जो आज सभी लोग ऐसे चला रहे हैं हमारे लोग ये नौकता नहीं चाहिए थी। आज हरियाणा में देखो कैसे हुआ कि जाट रिजर्वेशन मांग रहा है।
कैंडिडेट नहीं है। उनमें से मैं तो ये कहता हूं 1-2% होंगे जो आपकी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, नहीं तो हमारे नहीं है। अगर उनको हम लोग अपने समाज से समाज को एक जगह इकट्ठा करके पूछेंगे तब वो लोग ये जानेंगे कि इन लोगों की वोट से हम बने थे। मैं सभी जो हमारे पॉलिटिकल मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, उनको ये आप लोग चैलेंज करो कि अगर आप में ऐसी कैपेसिटी है तो जिन्नों सीट पे जाकर एमपी बन के दिखाओ, जिन्नों सीट पे जाकर एमएलए बन के दिखाओ। आप बाबा साहब की बदौलत एमएलए है, बाबा साहब की बदौलत एमपी है, लेकिन जो बाबा साहब का समाज है उनके लिए सोच नहीं रहे। मैं समय के ध्यान से ध्यान को रखता हुआ ये कहना चाहता हूं